मिताली, वेलकम टू ई विद्यार्थी .in। चलिए दोस्तों आगे मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के साथ। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर वी हैव टू एक्सप्लेन हाउ सम ऑफ द लीव्स ऑफ अ ट्री मे फॉल और डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ वी शेक द ट्री विगोरसली। यानी कि अगर हमने अपने ट्री को कभी भी बहुत ज्यादा तेज से झोंका आया है, उसे हवा की वजह से आंधी आई है या फिर हमने उसे शेक किया है, तो किस तरीके से कुछ लीव्स ट्री की फॉल कर जाती हैं, यानी कि गिर जाती हैं। सो उसका रीजन क्या हो सकता है, जल्दी से मुझे बताइए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। तो क्यों ऐसा होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को रिजिस्ट करता है? वाई? बिकॉज ऑफ इनर्जिया। तो सिमिलरली इसका रीजन बिल्कुल यही है, एक बार समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है, सो लीव्स आर एट रेस्ट पोजिशन। बेसिकली अगर आप ट्री को देखोगे और हवा तो चलती रहती है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेज हर वक्त हवा चल रही है। तो इसलिए माना जाता है कि जो लीव्स हैं एक ट्री की, वो कैसी पोजीशन में है? रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, नाउ व्हेन वी शेक अ ट्री दे रेजिस्ट द चेंज और स्टे ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन अगर हमने कभी भी ट्री को शेक किया है या किसी भी आंधी तूफान की वजह से ट्री शेक हो रहा है, तो वो एक टू एंड फ्रो मोशन में शेक होता है, जिसकी वजह से जो आपकी ट्रीज की लीव्स हैं वो क्या करेंगी, वो अपने स्टेट को, उनका स्टेट उस वक्त क्या है? रेस्ट पोजीशन है। तो वो क्या करेंगी, अपने स्टेट को या अपने मोशन चेंज को रेजिस्ट करेंगी। यानी कि अब उन्हें क्योंकि मोशन में जबरदस्ती लाया जा रहा है, सो इनर्शिया की वजह से वो उस चेंज को रेजिस्ट करेंगी। ठीक है, इस वजह से सो लीव्स विच आर वीकली अटैच्ड मे फॉल। इस वजह से कई बार ऐसा होता है कि कुछ लीव्स जो है बहुत ही वीकली अटैच्ड होती है टू द स्टेम ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो इस वजह से वो फॉल कर जाती है, वेयर एज दोज आर फर्मली अटैच्ड विल नॉट फॉल। और वही जो लीव्स ऐसी है जो बहुत पक्की तरीके से फर्मली हमारे ट्री के साथ जुड़ी हुई है, अटैच्ड है, वो फॉल नहीं करेंगी। बट ऑन द अदर हैंड लीव्स जो बहुत ही वीकली या फिर लूजली अटैच्ड है हमारे पेड़ के साथ, वो इजीली शेक करने पे मोशन में आने की वजह से गिर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि किस तरीके से इनर्शिया में कोई भी बॉडी अगर होती है तो वो अपने स्टेट को काफी रेजिस्ट करती है। ठीक है, तो चलिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट आल्सो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय।